गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3, दैट इज फैक्टर्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टर्स। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फैक्टर्स, लेट अस टेक सम एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल, अ गार्डनर हैज गॉट 6 सैपलिंग्स। गार्डनर के पास कितनी सैपलिंग्स हैं? 6, मतलब 6 प्लांट्स हैं उसके पास। सो वी हेल्प हिम प्लांट These saplings in different arrangement in rows and column। हमने क्या करना है, उन plants को, gardener की help करनी है कि उन plants को वो किस तरह से लगाए कि garden में अच्छे लगें वो। जैसे हम पहले क्या कर सकते हैं, 6 plant है हमारे पास, एक एक करके लगा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसकी arrangement क्या बन गई अपने पास, 1 into 6। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं कि 2 रोज ले लें, 2 रो लगाएं, 1, 2, और एक रो में कितने प्लांट्स लगा दें, 3 प्लांट्स, 1, 2, 3। सेकेंड रो में फिर से 1, 2, 3, टोटल कितने हो गए अपने पास, 6। इनकी अरेंजमेंट क्या आएगी, 1, 2, 2, कितने प्लांट लगाए हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 into 3। और कोई अरेंजमेंट बन नहीं सकती, तो हमारे पास 6 की सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट बनेंगी, 1 into 6, सेकेंड इज 2 into 3। सो फैक्टर ऑफ 6 आर 1, 2, 3 and 6। नाउ वी कैन सी दैट वी कैन अरेंज सैपलिंग्स इन रो एंड कॉलम इन डिफरेंट वेज। दीज नंबर्स लाइक 1, 2, 3 and 6 आर द फैक्टर ऑफ 6। द नंबर मल्टीप्लाई टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इज फैक्टर। दैट मीन्स अ नंबर, हमारे पास अब कितने नंबर है, 1 and 6, 2 नंबर हैं, इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया टू गेट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसकी चाहिए, जो हमें फैक्टर निकालना, तो उनको क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स। मतलब 6 के फैक्टर में क्या आ जाएंगे, 1, 6 and 2 and 3। तो वही मैंने लिखा है, फैक्टर ऑफ 6 आर 1, 2, 3 and 6। एक और एग्जाम्पल अपने पास, अब हमने जैसे फैक्टर निकालना है 18 का, फाइंड द फैक्टर ऑफ 18। इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स लिख सकते हैं। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ली, रेक्टेंगल में हमने क्या किया, एक एक करके स्क्वायर्स को लगा दिया, 1 square, 2 square, 3, इस तरह से करते करते हमने कितने स्क्वायर लगाने, जितने का हमने फैक्टर निकालना है, तो 1 into 18। तो एक रो में कितने हमारे पास स्क्वायर आ गए, 18, तो हमने उसको क्या लिख दिया, 1 into 18। दैट मीन्स 1 row of 18 square, एक रो में कितने हमारे पास स्क्वायर हैं, 18। सेकेंड हमारे पास क्या है, हमने फिर सेकेंड रो लेनी है, सेकेंड रो में क्या करेंगे, 2 रोज लेंगे, 1, 2, उसमें कितने हम स्क्वायर्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेकेंड रो में भी वैसे ही लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 rows of 9 square, 2 rows of 9 square, दैट इज 2 into 9। थर्ड हमारे पास क्या है, 3 rows, कितनी रो है, 3, 1, 2, 3, एक रो में कितने स्क्वायर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 row कंटेन 6 square, तो 3 rows of 6 square, दैट इज 3 into 6। नो मोर रिक्टेंगल्स और स्क्वायर ऑफ द सेम एरिया विद डिफरेंट डायमेंशन इज पॉसिबल। सो द डायमेंशन ऑफ द शेप्स आर 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6। सो द फैक्टर ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 and 18। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ फिलअप्स करते हैं। लाइक हमारे पास फर्स्ट फिलअप है, डैश इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। हर एक नंबर का एक फैक्टर होता है, वो हमेशा हर नंबर में आएगा ही आएगा। जैसे मैंने इसमें करवाया आपको, पहले हमने 6 का फैक्टर निकाला था, 1 into 6, तो उसमें देखो 1 आया था ना अपने पास। नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल की थी, उसमें भी हमने लिखा था 1 into 18, तो उसमें भी अपने पास क्या आया था, 1। मतलब 1 एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, 1। सेकेंड अपने पास, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 1 हैव एट लीस्ट डैश फैक्टर्स। सभी नंबर एक्सेप्ट 1 का मतलब है 1 को छोड़कर, हैव एट लीस्ट डैश फैक्टर्स, हैव एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, कम से कम हमारे जो नंबर होते हैं उनमें कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 4, तो 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2, 4। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 3, 3 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1, 3।
इसके टू फैक्टर हो गए, इसके कितने फैक्टर हो गए, थ्री। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम थ्री लेते हैं तो हमारे पास कितने फैक्टर आए, टू। जब हम फोर के फैक्टर निकालते हैं तब हमारे पास कितने फैक्टर आए, थ्री। मतलब कम से कम हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे, टू फैक्टर तो आएंगे ही आएंगे। तो वही लिखा कि वन को छोड़ के एटलीस्ट हमारे पास कितने फैक्टर आएंगे, टू। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 25 इज, कहते ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है 25 का, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 25 इज। तो 25 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, 25। एक और बात, जो नंबर होता है उसका जब हमने ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना तो वो नंबर इट्सेल्फ होता है, सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इट्सेल्फ। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 25 इज 25। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 90 इज 90। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 19 इज 19, दैट इज नंबर इट्सेल्फ। नेक्स्ट, द नंबर मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इट्स, द नंबर मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इट्स फैक्टर्स, आर कॉल्ड इट्स फैक्टर। ये मैंने आपको पहले भी बताया, वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें कोई प्रोडक्ट मिले उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। उस नंबर को या उसको क्या बोला जाता है, उस नंबर को फैक्टर। जैसे इसमें हमने किया था ना, नंबर को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई, 1 × 6, 2 × 3, तो वो हमारे पास क्या आए थे, फैक्टर्स, 6 आर, तो 1, 2, 3 एंड 6। ओके, इसी से रिलेटेड एक मैं सम करवा देती हूँ चलो आपको। जैसे फैक्टर्स ऑफ 36, अब हमने क्या करना है, 36 का फैक्टर निकालना। सो अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 36, दैट इज फाइंड द फैक्टर ऑफ 36। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6। इसका मतलब क्या है, हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ 36 आर कितने आ गए, यहाँ से स्टार्ट करके उल्टा जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद 9, 12, 18 एंड 36। मतलब जो रिपीट हो जाएगा उसको हमने छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 6 × 6 रिपीट हो गया, 6, तो इसको एक बार ही लिखना है, दो बार नहीं लिखना। ओके, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।